रहनमाय फरमाए के अखलाफत के साथ पुख्ता तल्लुक़ क़ायम करने के लिए हमें अपने बच्चों की कैसी तरबियत कर सकते हैं आपने किस तरह पैदा किया? जिस तरह आपने पैदा किया तो उसी तरह बच्चों में पैदा कर दें आपके वालदे ने आपसे ताल्लुक़ पैदा करवाया था ना हाँ जी नसीहत ये थी, थी ना पुराने लोग नसीहतें किया करते थे कि हाँ जी पहली बात तो ये है कि खुदा तला से तल्लुक़ पैदा करें और अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा अपना जतीी करें और उसमें दुआ करें अपने बच्चों के लिए माँ बाप की दुआएं बच्चों के लिए कबूल होती हैं बच्चों की दुआएं माँ बाप के लिए कबूल होती हैं ठीक और उसमें ये दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको ख़ुदा ताला से जोड़े दीन से जोड़े और दीन से जोड़ने के साथ इस ज़माने में अल्लाह ताल के वादे के मुताबिक आदर सल वसम की पेशगोइयों के मुताबिक मसीह माउद और महदी माउद आए उनकी जमात से जोड़े और उन्हीं पेशगोईयों के मुताबिक क्या खिलाफत का निज़ाम जारी होना था, इसलिए ख़िलाफत से ताल्लुक पैदा करें तो जब ये चीज़ें होंगी आपके अपने नमूने होंगे आपकी दुआएँ होंगी और बच्चों को प्यार और महब्बत नसीहत होगी तो उनके ताल्लुक पैदा होते रहेंगे ये नहीं है कि बड़ा होकर तल्लक पैदा कर लेगा बचपन से ही बच्चों के कान में डालें और जिस तरह बच्चों से बचपन में लाड करके प्यार करके दोस्ती करके बातें करते हैं ना बारह चौदह साल की उम्र जब बच्चे पहुँचते हैं तो माँ बाप खासतौर पर बाप जो है लड़कों से ज़रा अपना फासला देना शुरू कर देते हैं पूरी तरह दोस्ती नहीं रखते बातें नहीं करते माएँ फिर अपनी लड़कियों से दोस्ती कर लेती हैं बातें कर लेती हैं बाप जो हैं पीछे हट जाते हैं बाप भी अपना किरदार अदा करें तो बच्चे करीब रहेंगे जमात के साथ अटैच करें उनको जो जो जमत अटैच करेंगे तो जमात का निज़ाम जो है और खिलाफत का निज़ाम जो है वो एक चीज़ है जो उनको समझ आ जाएगी उसके बाद वो अटैच हो जाएंगे ठीक है